अब हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है उसको लेके आता है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है कि अगर दो बॉडी अगर एक डायथर्मिक वॉल से अगर हम कनेक्ट कर दें, देन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाता है, हमें पता है। ओके, बट अगर हम कुछ ऐसा करें, सपोज कि ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है, ये क्या है सेकंड सिस्टम है, ओके, और ये एक हमारे पास थर्ड सिस्टम है। यहां पर वॉल अगर हम लगा दें एडियाबेटिक, ये आपकी क्या है एडियाबेटिक वॉल है, और एक वॉल यहां पर लगा देते हैं, ये आपकी क्या है डायथर्मिक वॉल है। यहां पर सपोज आपका P1 V1, प्रेशर वॉल्यूम था, यहाँ पर P2 V2, यहाँ पर P3 V3, कुछ इस तरीके से था। हमने क्या बोला कि ये सिस्टम 1 है, 2 है, और ये आपका सिस्टम 3 है। ओके, सो इसमें होता है कि अगर आपके दो सिस्टम सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज एडियाबेटिक है, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, बट ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते, बिकॉज बीच के अंदर क्या है आपका एडियाबेटिक वॉल है। सो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर फर्स्ट और सेकंड जो डिफरेंट आपके सिस्टम है, अगर वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, देन आपका कुछ टाइम बाद आपका जो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो सिस्टम है वो भी आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। सो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या है। इफ टू डिफरेंट सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, विद विद अनदर थर्ड मीडियम थर्ड सिस्टम, देन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये दो डिफरेंट हैं, इनको अगर फर्स्ट सेकंड अगर हम बोलते हैं, आर एल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो सिस्टम है वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, अगर आप कुछ इस तरीके से सिस्टम रखो। अब कंसेप्ट क्या आता है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर ये चेक करते हैं, देन हमें मिलता है कि इसका जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या आता है, तीनों आता है। सो हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कह सकते हैं कि यहां पर टेम्परेचर का कंसेप्ट जरूर रहने वाला है, बिकॉज हम चेक कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, तीनों में सेम है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया। अब देखिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकेंड लॉ थे वो क्या है, आने के बाद आपका ये जो लॉ है ये आया था, और ये जरूरी माना गया बिकॉज ये क्या टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। ओके, और ये एक तरीके से सबसे पहले आना चाहिए था, तो क्या है इसको जीरोथ लॉ कंसिडर किया गया। ओके, सो अब देखिए हमने क्या है फिजिकली तो चेक कर लिया, एक्सपेरिमेंटली कि आपका जो एक क्वांटिटी होगी और हम चेक करेंगे कि ये क्वांटिटी आपकी टेम्परेचर ही होगी, बट अभी तक हमें नहीं पता कि क्वांटिटी है वो कॉन्स्टेंट आ रही है तीनों में,
अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ गया, टेम्परेचर को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, उसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर हैं वो बनाए गए, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको डिजाइन किया गया होगा। ओके, सो अभी तक हमें नहीं पता कि टेम्परेचर होता क्या है नॉर्मली, कैसे उसको मेजर कर पाते हैं, बट हमें ये पता लग गया कि हाँ एक क्वांटिटी है जो तीनों में कॉन्स्टेंट रहती है। ओके, अब मैथमेटिकली हम चेक करते हैं कि वो क्वांटिटी है वो क्या होगी जिसको हम टेम्परेचर कह रहे हैं। ओके, मैथमेटिकली के देखते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सिस्टम है हमारे पास। फर्स्ट सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, सेकंड सिस्टम थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम है। देन देखिए P1 V1 और P3 V3 आपस में एक तरीके से रिलेटेड है ना। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये इन दोनों क्वांटिटीज के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, बिकॉज दोनों इक्विलिब्रियम में है। अगर हमें इनके अंदर तीन क्वांटिटी पता हो तो चौथी क्वांटिटी हम क्या है निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज दोनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, कुछ ऐसा फंक्शन जरूर होना चाहिए। देन हम क्या कहते हैं कि इफ 1 एंड 3 आर इन इक्विलिब्रियम, देन देखिए यहां से हमारे पास क्या है कि कोई ना कोई एक फंक्शन जरूर होगा F1, ओके, जो क्या डिफाइन करेगा P1 V1 और P2 V2, इन सब को आपस में रिलेट करेगा। ओके, ऐसा कुछ फंक्शन होना चाहिए जिससे हम क्या है अगर तीन क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो चौथी की निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन होना जरूर चाहिए इनके अंदर। अब देखिए अगर सेकंड सिस्टम है वो थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में, देन क्या होगा इफ 2 एंड 3 आर इन इक्विलिब्रियम, देन उसमें क्या होगा एक नया फंक्शन आना चाहिए F2, ओके, जो किसको रिलेट करेगा P2 V2 एंड P3 V3। अब देखिए यहां से अगर हम यहां से P2 V2 नहीं होगा, सॉरी यहां पर P3 V3 होगा, बिकॉज इनको रिलेट कर रहे हैं ना आपस में। अब देखिए यहां से अगर हम P3 का वैल्यू सेपरेट करें किसी तरीके से, देन सपोज यहां पर अगर मैंने सेपरेट किया, देन सपोज P3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है कैपिटल F1, और यहां से क्या आएगा इधर क्वांटिटीज जो बच गई क्वांटिटी वो आएंगी P1 V1 और आपका V3, और यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी सपोज आपका ये P3 है वो कितना आता है F2 कैपिटल F2, ओके, और यहां से आपका वैल्यू है P2 V2 और V3। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, बट हमें पता है कि P3 जो है वो दोनों में इसमें सेम ही है, एक ही तो क्वांटिटी है P3, दोनों सेम होगी तो दोनों क्वांटिटीज को हम क्या है इक्वल पुट करते हैं। देन देखिए हमारे पास क्या आता है F1 P1 V1 V3 इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया P3 F2, सॉरी यहां से F2 P2 V2 V3। इस रिलेशन को एक बार क्या है आप हाईलाइट करिए, इसका हम यूज करेंगे। ओके, अब देखिए अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट सिस्टम है वो थर्ड के साथ है, सेकंड है वो भी थर्ड के साथ है, बट हम चेक कर पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। देन हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर इन इक्विलिब्रियम, यहां से हम क्या कहेंगे कि यहां से आपका कोई फंक्शन होगा डिफरेंट फंक्शन होगा। ओके, सपोज F3 अगर हमारा आया F3, उसके अंदर हम रिलेट कर पाएंगे किसको P1 V1, ओके, और यहां से आपका P2 V2, और ये आपका इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब देखिए यहां से क्या हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं P1 का, ओके, और यहां से भी P1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आएगा। ओके, सो यहां से देखो क्या आएगा वैल्यू आपका F1 का वैल्यू कितना आएगा, F1 का सॉरी नहीं P1 का, P1 इज इक्वल टू यहां से सपोज कैपिटल F एक नया फंक्शन आता है, कैपिटल F नहीं कैपिटल F ले चुके हैं यहां से आप रखिए G फंक्शन आता है एक, ओके, वो किसको रिलेट करेगा P2 को रिलेट करना चाहिए, V1 को रिलेट करना चाहिए, V2 को रिलेट करना चाहिए और V3 को,
ये हमारे पास यहां से आता है। और यहां से देखिए क्या आएगा, अगर मैं यहां से सपोज एच, यहां से मेरा फंक्शन आता है जिससे मैं पी वन को सेपरेट करता हूं एच, और यहां से क्या क्या क्वांटिटी आनी चाहिए, एच वी वन पी टू और वी टू। ओके, यहां से मेरे पास एक एक्सप्रेशन और आता है, पी वन इज इक्वल टू एच वी वन पी टू और वी टू। अब दोनों क्वांटिटीज को चेक करिए, फर्स्ट मेरा क्वांटिटी क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वांटिटी बोल रहा है कि आपका प्रेशर है वो रिलेटेड होगा किसी फंक्शन पे जिसमें आपका पी टू वी वन वी टू और वी थ्री आना चाहिए। सेकंड बोल रहा है कि पी वन आपका कुछ ऐसा आना चाहिए जिसमें आपका वी वन हो पी टू हो और आपका वी टू हो। अब देखिए दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकती ना, दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। अब यहां से अगर हम इसको डिस्कार्ड करते हैं वी थ्री को, देन हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका रिलेशन क्या है, सही है। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पी वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी थ्री। ओके, सो यहां से देखिए, सो अगर यहां से वी थ्री अगर हम डिस्कार्ड कर देंगे, देन हमारे पास देखिए क्या रिलेशन मिलता है। अगर यहां से ये डिस्कार्ड होगा देन कहां से भी होगा, यहां से भी होगा। ओके, बिकॉज हमें क्या मिल रहा है, यहीं से तो ये रिलेशन मिला है, वो तो यहां से हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर वी थ्री दोनों साइड में अगर डिस्कार्ड कर देता हूं, देन मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए। सपोज मैं एक फाई फंक्शन अज्यूम करके चल रहा हूं, फाई वन, जिसके अंदर पी वन आपका वी वन इधर होना चाहिए और फाई टू जो है वो आपका पी टू वी टू होना चाहिए। कुछ इस तरीके से होना चाहिए ना कि आपका वी थ्री से रिलेट ना करे किसी भी तरीके से। बट हमने देखा कि ये रिलेशन होता है, देन वी थ्री हम यहाँ से कट कर सकते हैं बिकॉज हमने चेक किया कि पी वन है वो डिपेंड नहीं कर रहा वी थ्री से। इट मीन्स पी वन नहीं डिपेंड कर रहा, तो दोनों जो रिलेशन है उसके अंदर वी थ्री नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ से अगर कट करेंगे तो एक दूसरा फंक्शन आना चाहिए हमारे पास जो आता है फाई, फाई पी वन वी वन पे डिपेंड करेगा और फाई टू है वो पी टू वी टू पे डिपेंड करेगा। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसको इक्वेट करने से हमारे पास दोनों टर्म में यहां पर फाई वन आता है यहां पर फाई टू आता है, तो एफ वन और एफ टू का क्या रिलेशन है, बिकॉज ये तो पी वन वी वन और वी थ्री पे डिपेंड कर रहा है। ये आपका वी थ्री तो आना चाहिए कैसे न करके एक्सप्रेशन में, तो जिसको हम क्या है कट करके फाइव मिलता है। सो हम अज्यूम करते हैं कि एफ वन और एफ टू जो है वो किस तरीके का होगा, वो कुछ ऐसे होगा कि फाइव सपोज पी वन वी वन पे डिपेंड कर रहा है, इनटू हमने एक्स एक फंक्शन था जो हमारा वी थ्री पे डिपेंड कर रहा था, प्लस एक वाई फंक्शन था जो वी थ्री पे डिपेंड कर रहा था। ओके, अब उसी तरीके से हमने क्या किया, उसी तरीके से आपका इधर होगा एफ टू जो है वो कितना हो जाएगा, ये फाई वन था ये आपका फाई टू है जो आपका पी टू वी टू पे डिपेंड कर रहा है, बट एक फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वी थ्री से प्लस वाई वी थ्री से। अब देखिए जैसे ही आप दोनों फंक्शन को इक्वेट करते हो एफ वन और एफ टू को, एफ वन भी आपका एक्सप्रेशन है पी वन वी वन और वी थ्री में, पी वन वी वन और वी थ्री में, और एफ टू भी आपका पी टू वी टू वी थ्री में। अब जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करोगे, जब देखिए इनको इक्वेट करते हैं, ये जो क्वांटिटी है कैंसिल हो जाएगी और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, देन हमारे पास यही मिलेगा फाई वन पी वन वी वन और फाई टू वी टू। ओके, अब देखिए ये हमारे पास कंडीशन कहाँ से आई कि अगर आपके पास दो, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दो सिस्टम अगर आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन उसके लिए क्या कंडीशन आएगी कि आपके जो पी वन पी और वी जो है वो एक तरीके से कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को। ओके, अब यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, हमने देखा कि पी वन वी वन और पी टू वी टू, इट मीन्स पी आपका जो है पी और वी प्रेशर और वॉल्यूम वो एक सिस्टम के स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एक तरीके से काफी है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो फाई है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जिसमें प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा, वॉल्यूम आएगा और वो एक तरीके से कुछ यहां पर टर्म आएगी। ओके, क्यों, बिकॉज देखिए दो आपके जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के साथ भी, देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होगा, फाई थ्री के इक्वल भी होगा जो आपका पी वन पी थ्री और वी थ्री कंडीशन पे है। ओके, सो तीन सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में है, हमने चेक किया था अभी, तीनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा। अब देखिए ये पी वन पे डिपेंड कर रहा है, पी टू पे, ये पी थ्री पे, ऐसे ही करके दोनों फंक्शन भी तीनों डिफरेंट है, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। ओके, तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस
इक्वल कब हो सकते हैं? हमें पता है कि तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका वैल्यू किसके इक्वल हो, कांस्टेंट के इक्वल हो। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू आपका होता है एम्पेरिकल टेम्परेचर। ओके, क्यू आया हमारे पास अभी तक, क्यू आता है एम्पेरिकल टेम्परेचर। अब अभी तक हमने एम्पेरिकल टेम्परेचर बताया क्यू को, अब एक एब्सोल्यूट भी आता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम धीरे धीरे आगे चेक करेंगे कि क्या चीज होता है, बट टेम्परेचर ये जो एम्पेरिकल टेम्परेचर है यही एक तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। हम इसको चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस होता होगा थोड़ा बहुत अगर है तो। ओके, सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर इसको एम्पेरिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, सो ये क्वांटिटीज आपकी किसके इक्वल आ गई? क्यू के। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट आपका डिफाइन किससे हो सकता है? फाई आपका पी और वी से डिफाइन हो सकता है, जहां पर ये इक्वल होगा किसी कांस्टेंट के और क्यू के, जो आपका क्या होगा, एम्पेरिकल टेम्परेचर होगा। इट मीन्स अगर मेरे को पी और वी पता लग जाए किसी सिस्टम का, देन एम्पेरिकल जो अपने पास टेम्परेचर है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें जो फाई जो एक तरीके से जो फंक्शन है वो मिल जाए तो हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्टेट को। सो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, देन मैं क्या कह सकता हूं कि फाई के अंदर पी वी और आपका क्यू भी लिख देता हूं, देन ये जो है आपका जीरो के इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका क्या जाता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी तक हमने देखा कि ये जो आपका जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो टेम्परेचर है जो एक्सपीरियंस करते हैं हम, जो एम्पेरिकल टेम्परेचर है उसका एक्सप्रेशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कैसे क्या करेंगे कि अगर अपने को P और V है पता है, देन हम टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमीटर है वो क्या आता है कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आएगा ना कि पी वी, ओके, फाई पी वी इज इक्वल टू क्यू, कुछ इस तरीके से आएगा। देन हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे, ये आपका कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि फाई वी इज इक्वल टू क्यू। ओके, इट मीन जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा उसके हिसाब से आपका टेम्परेचर सेट कर सकते हो। सो इसी कंसेप्ट पे आपका जो थर्मोमीटर है वो काम करता है। हम आगे चेक करेंगे कि कैसे हम उसका जो वैल्यू है वो डिफाइन करते हैं थर्मोमीटर के लिए। ओके, सो हम चेक करते हैं कि आपका जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा थर्मोमीटर है, देन क्या होता है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एच जी होता है। ओके, सो ये जो फंक्शन है ये बता रहा है कैसे वॉल्यूम के साथ कैसे टेम्परेचर चेंज होगा, कि जैसे जैसे आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है, यहाँ पर आ गया सपोज, यहाँ पर टी वन टेम्परेचर था, थोड़ा और इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपका टी टू टेम्परेचर आ जाता है। सो वॉल्यूम चेंज होने के हिसाब से हम स्पेसिफाई तो करते हैं कि कितना आपका टेम्परेचर होगा उसका थर्मोमीटर में। ओके, सो इस तरीके से ये जो डिटेल में डिस्कशन है थर्मोमीटर का, ये हम बाद में करेंगे। ओके, अब यहाँ तक ये जानना जरूरी है कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वही हेल्पफुल है आपके जो थर्मोमीटर है उसके डिजाइन में। सो इस तरीके से जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और जो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है वो आपका हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया। ओके,